हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चाकूटी व्लॉग में। तो मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, वही देख सकते हो। और अभी मेरी मेडिसिन लेने की बाकी है, जो कैल्शियम की विटामिन की आती है। और कोई दवाई तो मैं लेती हूँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रेगनेंसी में, इसलिए। तो अभी चलिए, मेरे पति क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं तो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। गायों को पानी पिला रहे हैं वो। और यहाँ गाय पानी पी रहे हैं। समझा आवाज आवे? आवाज आवे ना? तो तब जाओ ने। तो मेरे पति कह रहे हैं कि यहाँ बाजू में शादी है, तो सब पुराने ख्यालातों के हैं। तो मतलब जैसे रिवाज होते हैं वैसे यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं, जो पहले के ज़माने में थे। वे कह रहे हैं कि इसका भी ब्लॉग बना, लेकिन वो तो अभी थोड़ा दूर है, तो मैं तो वहाँ जाते नहीं। शायद आपको इसमें आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर देखो ये तो अभी जितनी गायों को पानी पिलाना था उसको पिला चुके हैं। अच्छा लिया थे ना गाय पानी पावा में? ये लास्ट वाली थी, सारे को पानी पिला दिया है। सारे गाय, सारे बछड़े अभी यहाँ पर। ये देखो, इसके तो पास जाना भी मना है, तो यहाँ झाड़ू भी मारना है। तो चलिए मैं पहले यहाँ झाड़ू मार देती हूँ थोड़ा बहुत। तो भी झाड़ू मार दिया है मैंने। और आपको एक गाय दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये वाली गाय जो हमारे पास थी पहले से, आपने भी देखी होगी व्लॉग में, इसे हमने सेल कर दिया था। और फिर कल रात को इसे वापस लाए हैं हम। ये जहाँ पर थी वहाँ पर इसको ले जाने वालों ने
ओनली फॉर प्याज के जो पत्ते होते हैं ना वही खिलाए। तो अभी इसके गोबर में, फिर इसके मुंह से, फिर इसके यूरिन में, सब में से प्याज की ही बदबू आ रही है। तो अभी वो गाय प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में गायों को ऐसी गर्म चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तो फिर भी इसको जब से ले गए थे उसने यही खिलाया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, क्योंकि उसके डिलीवरी होने वाली है थोड़े दिन में, तो इस वजह से उसको कोई नुकसान नहीं होगा सारे प्याज से। लेकिन नहीं खिलानी चाहिए, यहाँ पर गुजरात में गन्ना भी खिलाते हैं, लेकिन डेली उसको एक ही चीज़ खिलाने से उसको नुकसान होता है। जैसे कि एक साथ गन्ना खिलाते हो, एक साथ प्याज खिलाते हो, फिर गाजर का भी आता है हरा वाला पत्ता, वो खिलाते हैं, तो गायों को नुकसान होता है, इससे उसके बच्चे को नुकसान होता है जो पेट में पड़ रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पता नहीं था। फिर सामने वाले ने हमें कहा कि आपको अगर आपकी गाय वापस चाहिए तो लेके जाइए। फिर हमने रात को मंगाई, गाय को लेने गए थे दिन में और रात में वापस लेकर आए। गाइस, थोड़े दिन में मेरी गोद भराई होने वाली है और गोद भराई के लिए मुझे पूरा घर साफ करना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पर सारी रखी हुई होती है उसको धोकर साफ करके रखना पड़ेगा वापस, मुझसे अकेले से होगा नहीं। तो मैंने सोचा है कि मेरी मम्मी को ही बुला लेती हूँ तो अच्छा रहेगा मुझे। अभी के लिए मुझे इतना काम बाकी है, वो करना है, तो मैं वो पहले कर लेती हूँ।